हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वोटर आईडी कार्ड के बारे में। काफ़ी पर्सन अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करते हैं या फिर वो न्यू के लिए अप्लाई करते हैं, या तो आपने न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया या फिर आपने कोई करेक्शन की। तो जिस वक्त हम न्यू के लिए अप्लाई करते हैं या फिर करेक्शन करते हैं तो हमें एक रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करके ये पता कर सकते हैं, उसका स्टेटस जान सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी वो कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक वो सबमिट हुई और वो पूरी तरह से सबमिट हुई या फिर नहीं। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको रेफरेंस नंबर के बारे में। रेफरेंस नंबर से ही हम अपनी एप्लीकेशन का पता कर सकते हैं कि जो एप्लीकेशन हमने अप्लाई की है वो चाहे करेक्शन के लिए की थी आपने या फिर न्यू के लिए, तो उसका जो स्टेटस जान सकते हैं वो रेफरेंस नंबर से ही जान सकते हैं। अब काफ़ी पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास में रेफरेंस नंबर नहीं है, रेफरेंस नंबर उनका खो गया है या फिर उन्होंने नहीं रखा था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि रेफरेंस नंबर को आप कैसे पता कर सकते हैं, कहां पर आपको वो मिलेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि रेफरेंस नंबर कैसे और कहां से मिलता है जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक कर सको, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एस एस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेफरेंस नंबर जानना चाहते हो जिससे आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस पता करना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन से अप्लाई किया था न्यू वोटर आईडी कार्ड के लिए या फिर करेक्शन के लिए, वोटर हेल्पलाइन जो एप्लीकेशन होती है अगर हम उससे करते हैं तो वहाँ से तो हमें रेफरेंस नंबर अगर खो भी जाता है तो वहाँ पर उसके अंदर से हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपने साइट पर जा कर के किया था, वेबसाइट पर जा कर के किया था, तो वहाँ से नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर कहीं भी वो सेव नहीं होता है, लेकिन वोटर हेल्पलाइन के अंदर सेव हो जाता है जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं, कुछ भी चेंजेस करते हैं। तो वो आपको कैसे मिलेगा और कहाँ पर देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको जानना है कि ये चीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हमें चलना होगा वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कौन से ऑप्शन में जा करके आपको आपका रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपने इस एप्लीकेशन से अप्लाई किया था करेक्शन के लिए या फिर न्यू बनाने के लिए, तो यहाँ पर जब आप इसको अप्लाई कर देते हो तो इसके अंदर वो सेव हो जाता है हमारा रेफरेंस नंबर। तो वो कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्रैक स्टेटस ऑफ योर फॉर्म, तो फॉर्म यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो है अब यहाँ आपको दिखाई देगा नीचे में एक ऑप्शन, एक तो है यहाँ पर रीसेंट सर्च और उसी के ठीक सामने है अप्लाइड फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाइड फॉर्म पे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने यहाँ पर अप्लाई किए होंगे उनके सभी के रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और जो आप रेफरेंस नंबर अपना पता करना चाहते हैं वो भी इसी में से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करना होता है, जैसे कि यहाँ ऊपर में सेलेक्ट स्टेट, यहाँ जिस भी स्टेट से वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद में इस पर क्लिक करना होता है और वो उसका स्टेटस बता देता है। तो इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हो, रेफरेंस नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।